देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। नोटबंदी के बर्थडे पर देश को टैक्स में बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां, माना यह जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी राहत होगी। गुवाहाटी में आज और कल दो दिन की जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और उसमें 28% के टैक्स स्लैब पर चर्चा हो रही है। उम्मीद ये है कि 28% के स्लैब में आने वाले 80% आइटम अब 18% के दायरे में आ जाएंगे, यानी कि सस्ते हो जाएंगे। इस शो में हम आपको बताएंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो सस्ते हो सकते हैं, और ये बैठक अब तक हुई बैठकों से क्यों अलग है, क्यों खास है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप विस्तार से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी पर मिलेगा सबसे बड़ा गिफ्ट, 165 चीजें हो जाएंगी सस्ती, खत्म होगा 28% का झमेला। गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना सस्ता होगा बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी जीएसटी कम हो जाएगा। जीएसटी की सबसे ज्यादा कटौती डेली यूज के प्रोडक्ट्स पर होगी। इस बैठक में 28% स्लैब में आने वाले सामान पर चर्चा होगी और हायर स्लैब में आने वाले 227 प्रोडक्ट्स में से करीब 165 सामान सस्ते हो जाएंगे। सिर्फ 62 प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो 28% के स्लैब में रह जाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी डेली यूज की चीजों को लेकर, मसलन वॉच एंड क्लॉक्स, मैट्रेसेस, कुशन, कटलरी, फोक, ग्लास, स्टील सैनिटरी फिटिंग्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और चॉकलेट्स आदि पर दरें 28% से घटकर 18% होने की उम्मीद है। इस बैठक के बाद आपका रेस्टोरेंट में खाना भी सस्ता हो सकता है। जीएसटी पर बने मंत्रियों के समूह ने एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट के बीच टैक्स के अंतर को खत्म करने की सिफारिश की है। इस समय रेस्टोरेंट पर जीएसटी की 3 दरें हैं। बिना एसी वाले रेस्टोरेंट के लिए जीएसटी की दर 12% है और एसी वाले रेस्टोरेंट के लिए जीएसटी की दर 18% है। 5-star होटल में बने रेस्टोरेंट के लिए भी जीएसटी की दर 18% ही है। अब मंत्रियों के समूह की सिफारिश है कि रेस्टोरेंट चाहे एसी हो या नॉन एसी, दोनों ही जगह पर जीएसटी की दर 12% होनी चाहिए। इस बैठक में कंपोजिशन स्कीम को लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें मंत्रियों के समूह ने कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी की दर 5% से घटाकर 1% करने की सिफारिश की है। गौर करने की बात ये है कि जो भी रेस्टोरेंट कंपोजिशन स्कीम में शामिल होते हैं उन्हें अपनी दुकान पर बोर्ड लगाना होता है कि वो ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूलेंगे और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा लेंगे। कुल मिलाकर जीएसटी लागू होने के बाद इस काउंसिल में सबसे ज्यादा मुद्दे हैं और आने वाले चुनाव और कारोबारियों की परेशानियों को देखते हुए इस बैठक के बाद आपको सस्ते प्रोडक्ट्स का तोहफा मिल सकता है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया। तो अगला आधा घंटा आपके लिए बेहद खास है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कल जीएसटी काउंसिल की बैठक जो गुवाहाटी में हो रही है उसमें कौन कौन से सामान हैं जो सस्ते हो सकते हैं। जी बिजनेस लगातार इससे जुड़ा हर अपडेट और हर खबर आपको दे रहा था और शुरुआत से ही हम आपको बता रहे थे कि कैसे करीब करीब 160 आइटम्स ऐसे हैं जिनका जीएसटी रेट कट सकता है और ये वो सामान है जो आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में आता है, यानी कि अब शैम्पू हो, साबुन हो, ये सब चीजें आपको सस्ती मिल सकती है, कुशन कवर्स हो, साथ ही साथ पाइप रिलेटेड कोई भी सामान हो, ब्यूटी रिलेटेड सामान हो, ये सब आपको सस्ता मिलेगा। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगेटीवार, अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। गोदरेज अप्लायंसेस के बिजनेस हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी साहब है, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन साहब भी हमारे साथ है और मेरे साथ स्टूडियो में जीएसटी कंसल्टेंट संजीव उत्तरा भी हैं। सबसे पहले कुमार राजगोपालन आपके पास आऊंगी। सर, क्या कुछ रिकमेंडेशंस आपने दी थी यहां पर जीएसटी काउंसिल को और किन किन को आप पूरा होता हुआ देख रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमने देखा है कि जब से जीएसटी लागू हुआ है और उसके पहले भी एक ऐसा सरकार है जहां पर वो हमारे साथ में बात करने के लिए तैयार है और मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा क्योंकि ये सरकार ने जो है लगातार हमसे इनपुट्स लिया हुआ है, लगातार काफी चीजों में बदलाव लाया हुआ है
और आसान जीएसटी लागू करने के दिशा में जा रही है। ये इतना बड़ा जीएसटी लगाना इस देश में इज नॉट एन ईजी टास्क, हम सबको पता है, और सरकार ने काफी काम किया हुआ है इसमें। हमने कोई कोई चीजें जहां रिकमेंडेशन दिया था, जहां पर एक्सपोर्ट्स के मामले में दिया हुआ था, उसमें तो काफी चीजें बदलाव हो गई हैं। हमने बिल्स के बारे में कुछ सजेशन दिए हैं, उसमें सरकार ने जरूर कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि शायद अभी एक नोटिफिकेशन आ जाए जहां हमने ये बताया कि अगर कोई भी रिटेलर अब एंड कंज्यूमर को माल बेच रहा हो तो आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन उस बिल में देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्स बहुत लंबे हो जाते हैं और कस्टमर्स कंफ्यूज होते हैं। जब आप हर एक आइटम हर एक लाइन में अगर आईजीएसटी आप डिटेल दे दोगे, आप एसजीएसटी डिटेल दे दोगे, उसके सामने एचएसएन कोड दे दोगे, तो बिल्स बहुत लंबे हो जाते हैं और कस्टमर एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें सही भाव क्या लगा हुआ है जी। तो ये सरकार ने हमसे सुना हुआ है, हमारा ये उम्मीद है अभी कि कस्टमर्स के लिए ये सुविधा दी जाएगी और अभी एक नोटिफिकेशन आएगा जहां पर ये बताएंगे कि इतने सारे डिटेल्स देने का कोई मतलब नहीं है, जहां इनपुट क्रेडिट तो कस्टमर ले नहीं रहे, तो टोटल में जो है हम टैक्स बता देंगे। तो ये एक है, और दूसरा है जहां भी 28% जब बात कर रहे थे हम, 28% अगर लग्जरी हो तो ठीक है, लग्जरी नहीं हो, आम दिनों का कुछ आइटम हो, तो वहां पर 28% का कोई मतलब नहीं है। ये भी है, सरकार सुन रही है, और आपने अभी बताया हुआ है कि 160 तकरीबन आइटम्स में जो है वो रेट कम करेंगे, और ये भी जो है सरकार जरूर सुन रही है। संजीव जी, आपने भी सुना है तो, कि जिस तरह से बिल बनता है उसके बाद सीजीएसटी आईजीएसटी जैसे जैसे चीजों पर लगता है तो कस्टमर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ये जो बात कर रहे हैं ये करें नॉर्मल डीलर की, जो कि जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करना है, लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, कंपोजिशन स्कीम वालों को तो बिल ऑफ सप्लाई है उनका, उनको तो वो डिटेल्स देने की जरूरत ही नहीं है। अब सरकार कंपोजिशन स्कीम का भी दायरा बढ़ाने के चक्कर में है, वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की सिफारिश हो चुकी है। अगर 1.5 करोड़ तक के हों, कंपोजिशन डीलर वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हैं, वो आगे जो चेन में आते हैं उनको नहीं बेचते, तो इन्होंने उसका जिक्र किया है, उसके लिए ऐसी जरूरत पहले से भी नहीं है, शायद ये मिस इन्फॉर्म्ड है। ठीक है, मेरे साथ कमल नंदी साहब ये, कमल आप गोदरेज अप्लायंसेस से हैं और हमने देखा कि फ्रिज एसी इन पर ज्यादा जीएसटी लग रहा था, क्या पिछले दिनों आपने सेल में कोई कमी देखी बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेस? जी देखिए, हमारे जो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, जो कूलिंग कैटेगरीज है अप्लायंसेस में, वो लगभग 80% बिजनेस इस प्रोडक्ट्स के जरिए होते हैं, और इसका जो टैक्स रेट है आज की तारीख में 28% है। हमने ये रिप्रेजेंटेशन हमारे इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को किए हैं, और हमारा ये कहना ये है कि आज के तारीख में आज का जो जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जीते हैं, या जिस तरह का एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट में, इस तरह का लाइफस्टाइल में रेफ्रिजरेटर को रेफ्रिजरेटर में घर पे होना, या वॉशिंग मशीन घर पे होना, एयर कंडीशनर्स घर पे होना, ये एक ज़रूरी है, ये आज का लाइफस्टाइल ये डिमांड करता है, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेटेड फूड आपको प्रिजर्व करना होता है, फूड को प्रिजर्व करना होता है, आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स मीट्स ये सब प्रिजर्व करना होता है, बिकॉज आप रोज रोज बाजार नहीं जा पाते हैं। तो आज के पेस्ट लाइफस्टाइल में ये एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर आप आज की तारीख नेसेसरी प्रोडक्ट है, अगर आप एयर कंडीशनर देखें, जिस तरह का टेम्परेचर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, एयर कंडीशनर के बगैर आज की तारीख में शहरों में खास तौर से रहना बहुत मुश्किल है, और वॉशिंग मशीन भी देखिए कि आज की तारीख में जिस तरह का पोल्यूशन लेवल्स है, उस तरह का आप इसमें लेवल्स में जब मूव करते हैं, जिस तरह का डस्ट लेवल्स है, उस डस्ट मूव जब आप मूव करते हैं, आपके क्लोथ्स बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं, तो आपको वॉश बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। तो ये आज जरूरी हो गया है। सर, तो क्या 28% में जब इन चीजों को रखा गया, रोजमर्रा के अप्लायंसेस को रखा गया है, तो क्या आपने सेल में कमी देखी पिछले दिनों? देखिए, सेल जब से हमारे दो कारण है सेल्स के, एक्चुअली आपको हम बताना चाह रहे हैं वही बात कि देखिए, हमारे जो ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज एनीवे काफ़ी हाई प्राइस है, बिकॉज इसमें रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स में एनर्जी लेवलिंग है, एनर्जी लेवलिंग होने की वजह से हर 2 साल एनर्जी नॉर्म्स को टाइटन किया जाता है, और इससे कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट ऑफ मेकिंग दोस एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस बढ़ जाते हैं, और प्राइसेस बढ़ रहे हैं।
उसके साथ रोजमर्रा की चीजें जीएसटी लागू करके ये भी अब सस्ती हो जाएंगी, एसी फ्रिज क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरत है आपकी, सस्ती हो जाएंगी। संजीव जी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब 28% से बहुत सारी चीजें जो है वो 18% की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर शायद 60 से 62 आइटम ही ऐसे बचेंगे जो 28% की कैटेगरी में है। क्या मैन्युफैक्चरर और लोगों को इस पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये आपसे मैं बातचीत करूंगी। मेरे साथ सुधीर मुंगेटीवार साहब है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मुंगेटीवार आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सर कल जो मीटिंग, अब जो ये मीटिंग यहाँ पर गुवाहाटी में चल रही है जीएसटी काउंसिल की, क्या इसके बाद हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स की, रिटेलर्स की, आम आदमी की जो भी परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाएंगी? देखो ऐसा है कि ये सरकार में जब जीएसटी लगाई सारी पार्टियों के एक सुर एक विचार के साथ जीएसटी लगी हुई है। आप जानते हो कि राज्यसभा में सबने मिलकर जीएसटी का स्वागत किया और कहा कि देश के लिए एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है, एक ऐसे कर आतंकवाद की समाप्ति के लिए जीएसटी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर मीटिंग ये लोगों के सुविधा के लिए होती है। ये जो मीटिंग होती है वो चाहे कल हैदराबाद में हुई या परसों कल आसाम में होने वाली है, ये सब मीटिंगों में जो भी जीएसटी के बाद जो भी समस्याएं उपस्थित हुई है उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए चर्चा होती है, ना कि लोगों को और तकलीफ देने के लिए। लोग तकलीफ से मुक्त हो, जो व्यापार कर देता है, जैसे हम कहते हैं अन्नदाता सुखी भव, वैसे करदाता सुखी भव। व्यापारी ये हमारी गवर्नमेंट के लिए सही तो बिना पगार से काम करता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है, तो व्यापारियों को तकलीफ देना ये तो कोई सरकार की नीति तो हो नहीं सकती। व्यापारियों से जनता के माध्यम से आने वाला कर ये सही मार्ग से आए, सही मात्रा में आए और तिजोरी में आए, यही बात है। और इसलिए नियम करनी पड़ती है कि व्यापारियों ने जनता से लिया हुआ कर ये सरकार के ट्रेजरी में पहुंचना ठीक है, हाँ, सुधीर जी एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक क्वार्टर पूरा हो चुका है, दो महीने का रेवेन्यू जो है वो जीएसटी का निकलकर सामने आया, जितना पैसा आया रेवेन्यू के नाम पर, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखो ऐसा है कि देश में 160 से ज्यादा आसपास जीएसटी है। मोटा मोटी जब भी जीएसटी आता है तब पहला वर्ष या ऐसी ही संभ्रम अवस्था का होता है। ये तो बात कोई नहीं कह सकता कि जैसे जीएसटी लगा उसी दिन से गाड़ी गच्ची से दौड़ने लगेगी। देखो आप 160 देशों में जीएसटी इसके पहले लगा हुआ है। 1950 में जब फ्रांस ने लगाया, बाकी देशों ने लगाया, तो उसका अनुभव पहले वर्ष में सवा वर्ष में कुछ समस्या आती है और उस समस्याओं का निराकरण करते हुए उस अर्थव्यवस्था को आगे जाना होता है, जो बाद में हमें निश्चित रूप से बहुत देश को आगे जाने के लिए मदद करता है। तो जैसे महाराष्ट्र में जीएसटी आने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अर्थमंत्री हूँ महाराष्ट्र का, पिछले महीने में मुझे पिछले साल जब वैट था उस महीने के इनकम से 21% ज्यादा जीएसटी में इनकम आया है। पिछले महीने की बात कर रहे हैं सर, सुनो पिछले 2016 के अक्टूबर महीने में जो मुझे वैट से पैसे मिला थे जी सर, अक्टूबर 2016 में मेरा जो इनकम था वैट का, अक्टूबर 2017 में जीएसटी का उस महीने का मेरा इनकम ये पिछले साल से 21% ज्यादा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब महीना चाहेंगे, कुछ दिन हिसाब होने में कुछ तकलीफें और आती है, जैसा पहले वैट में। यानी कि सुधीर जी आप खुश हैं मैं यही समझ पा रही हूँ, क्योंकि आपने खुद कहा कि रेवेन्यू जो है पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 21% ज्यादा हुआ। थोड़ा सा शब्दों का उपयोग, मैं खुश रहने की बात नहीं है, सर ज्यादा हुआ तो खुशी हुई ना, 21% ज्यादा रेवेन्यू आया तो। देखो फिर कंफ्यूजन हो रहा है। आपने पूछा जीएसटी से हुआ क्या, तो मैंने उसका जवाब दिया या खुशी का दुख की बात क्या, यानी आपको क्या करना है, जहाँ कम हुआ वहाँ दुख है क्या? जहाँ कम हुआ वहाँ पे दुख इतनी है कि उनको कंपेंसेशन मिलने वाला है। जी जी, ये खुशी से दुख से संबंधित नहीं है अर्थव्यवस्था। सर इसका मतलब अगर रेवेन्यू बेटर होगा तो क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने के लिए जब सरकार कहेगी तो क्या आप उस पर एग्री करेंगे?
देखो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए ये बात सब राज्यों ने मान्य की है, ऐसी बात नहीं है, ये प्रश्न क्यों उपस्थित हो रहा है, सिर्फ कब जाने का इस बारे में आगे चर्चा होने वाली है। एंड व्हाट डू यू थिंक सर विल बी द राइट टाइम? आपको सुनो, आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में डाल दीजिए, ये प्रश्न बाद में कभी उपस्थित नहीं होगा। पेट्रोल डीजल एक दिन जीएसटी में आएगा, कब आएगा, कब आएगा, इसलिए चर्चा हो रही है और आने वाले दिनों में चर्चा के बाद उसका बड़ा अभ्यास होगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न हो गया और उसको सुलझ दिया गया, उसका एक बड़ा अभ्यास होगा। ये जीएसटी एक साल जिसका अनुभव हो, ये एक साल में क्या क्या होता है उसके अनुभव के आधार पर आगे जाएंगे ना। मतलब एक साल में सुधीर जी, मतलब एक साल में जनता ये मान ले कि पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएंगे? सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि देश में पेट्रोल के दाम दोबारा आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव से जीएसटी का कोई संबंध नहीं है। पेट्रोल डीजल ये अभी विश्व के बाजार से जुड़े हुए हैं, नया कोई पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगाया नहीं गया। जो टैक्स है वो ऑलरेडी उस पर पहले भी एक्साइज था, पहले भी वैट था, कोई नया टैक्स लगाया क्या? बिल्कुल ज्यादा था सर, लेकिन पिछले दिनों महाराष्ट्र ने भी यहाँ पर टैक्सेस घटाए थे जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम घटे भी थे। देखो जो आप कह रहे वो आप गलत भावना निकाल दो, कोई नया टैक्स ये एक साल में 6 महीने में कोई सरकार ने बढ़ाया नहीं पेट्रोल डीजल के वैट पे। सर मुझे लगता है कि केंद्र ने एक्साइज बढ़ाया। ठीक है सुधीर जी, मेरा बस आखिरी सवाल है आपसे, मेरे पास समय, आपके पास भी समय कम है यहाँ पर। सर 28% में अब करीब करीब 60 से 62 आइटम्स ही रह जाएंगे, अगर कल की बैठक के बाद ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि 160-165 आइटम्स जो है वो 18 से 20% कैटेगरी में आ जाते हैं, तो 28% में अब कम आइटम्स रह जाएंगे, इसका मतलब रेवेन्यू पर असर पड़ेगा सर? रेवेन्यू पे तो असर जब कोई कम करते हैं तो होता ही है रेवेन्यू। एंड हाउ विल यू कॉम्पेंसेट दैट सर? दैट मींस दैट बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है, क्या वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे? देखो ऐसा है कि हमें दो पद्धति से काम करना चाहिए। एक जीएसटी ये सिर्फ एक दर टैक्स का तय करने वाली काउंसिल नहीं है। जीएसटी ये देश में एक प्रामाणिक बाजार तैयार करने वाली व्यवस्था है जिसमें कर चोरी ये हमें धीरे धीरे 0% पे लानी है। ऐसी व्यवस्था करनी है जहां पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर व्यक्ति को टैक्स देते हुए, हर व्यापारी को टैक्स जमा करते हुए लगे कि भारत माता की जय बोलने का मेरा अधिकार, निश्चित रूप से मैं टैक्स जो भर रहा हूँ या टैक्स में जमा कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे भारत माता के लिए है, तो खुशी से भारत माता की जय कह सके। मतलब निर्माण करना, ये दर कम करने के लिए जीएसटी कौन सी? सुधीर जी बिल्कुल, हर कोई दिल से ही आज भी भारत माता की जय बोलता है, लेकिन आखिरी सवाल और आखिरी बात बताइए कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी? देखो जीएसटी मैंने जैसा बोला कि ये टैक्स ही गुड एंड सिंपल टैक्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो ये तो मुस्कुराहट की पिछले बैठक के बाद भी मुस्कुराहट हुई। पिछले बैठक में हमने निर्णय किया कि जो हम 3 महीने में ये कर सकेंगे तो लोग खुश हो गए। तो मुझे लगता है जीएसटी का अर्थ ही है, जीएसटी है हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक अच्छे दिन आने के लिए, खुशी के दिन आने के लिए जीएसटी इसलिए लगाया क्या कि सरकार के विरोध में जनमत हो और फिर से कोई कांग्रेस की सरकार आ जाए, इसलिए जीएसटी लगाया क्या? जीएसटी इसलिए लगाया कि देश आगे जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मूल से बच्चे जिन्होंने इस देश को तकलीफ दी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्पीकिंग टू अस, थैंक यू सो मच मिस्टर सुधीर मुंगेटीवार। यहाँ पर देखा जाए तो संजीव जी, जो बात सुधीर जी ने यहाँ पर कही, मैंने बार बार उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर कल की बैठक के बाद यानी कि चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, क्या ये समझा जाए कि भले ही परेशानियां कितनी भी रही हो पिछले दिनों में, 28% से स्लैब घटकर 18% में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे, बट दिस इज नॉट द एंड, अभी और भी बदलाव करने बाकी हैं? सी अगर परेशानियों की बात करें वो कंप्लायंस की थी, अभी तक कोई भी जिक्र कंप्लायंस का नहीं हुआ, रिटर्न्स जो फाइल करनी है वो जो डिफिकल्टी आ रही है वो उसका क्या सलूशन किया गया है। हर बार जो जिक्र आता है वो आता है रेट ऑफ टैक्सेस का, हर मीटिंग में रेट ऑफ टैक्सेस को टिंकर किया जाता है और वो नीचे लाने की कोशिश की जाती है। 28% से जो 18% लाने वाली बात है,
अगर पहले उनके प्री जीएसटी एक्साइज और वैट का देखें टोटल वो 18 से कहीं ज्यादा था, 28 के लगभग था, तो ये एक विशफुल है, एक इच्छा है कि इनको कम किया जाए। अब कम करके कंज्यूमर को खुश करने वाली बात तो है, लेकिन कंप्लायंस कैसे होगी? अभी तक जुलाई की रिटर्न्स भी फाइनल नहीं हो सकी। इस पूरे प्रोसेस को यानी कि ट्रैक पर लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जीएसटी के स्लैब में बार बार हो रहे बदलाव को लेकर हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा से। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। जब हम जीएसटी को देखते हैं किसी टैक्स सिस्टम को देखते हैं, किसी नीति को देखते हैं, तो वो जैसे आपने ही कहा एक इवॉल्विंग एक सिस्टम होता है। और जब आप अर्थव्यवस्था को देखें वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, इतने सारे कंसिडरेशंस हैं, ये बाय नेसेसिटी अनिवार्य है कि ये सिस्टम जो है वो इवॉल्व करते रहे, बदलते रहे। और सिस्टम के जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहे हैं उसी के आधार पे ये एवोल्यूशन, ये परिवर्तन आना चाहिए। ये हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन में भी किया, जब आपने देखा जब एक बार नोट बदली हुई उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत परिवर्तन, बहुत चेंजेस हम लोग लाए और फटाफट जैसे जैसे फीडबैक मिला हमने इसे और भी बेहतर बनाया। और उसी तरीके से जीएसटी को भी हम लोगों ने बेहतर बनाया। जयंत सिन्हा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में ये तमाम बातें कही थी। देखिए अब सुनिए कि स्मृति ईरानी कांग्रेस की एक और वरिष्ठ मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैसे कांग्रेस पर पलटवार किया जीएसटी को लेकर। स्वाभाविक है कि कांग्रेस के लोगों ने आग लगाने की कोशिश की। कल जितने भी व्यापारी संगठन और प्रतिनिधि दिल्ली आए, मैं आज सार्वजनिक तौर पर उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने कल सार्वजनिक एक स्टेटमेंट भी दिया कि हम राष्ट्र को कहना चाहते हैं, मात्र गुजरात तक सीमित ना रहे बात, पूरे हिंदुस्तान को ये बात पता चले कि हम जीएसटी से जुड़ना चाहते हैं और जो भी सिस्टमिक चुनौतियां हैं उसका समाधान पाने की उनकी अपेक्षा है। पहले भी उनकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे जब उनके विषयों को हम जीएसटी काउंसिल तक ले गए। कल मेरे लिए विशेष ये रहा कि व्यापारियों ने स्वयं आकर देश की राजधानी में पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोई इस भ्रम में ना रहे कि सूरत के व्यापारी टैक्स कंप्लायंट नहीं होना चाहते अथवा जीएसटी से जुड़ना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है उनकी ओर से ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है। माफ कीजिएगा, बीजेपी की वरिष्ठ मंत्री और साथ ही साथ टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो साफ कह रही थी कांग्रेस पर पलटवार किया उन्होंने और कहा कि कांग्रेस जीएसटी को लेकर व्यापारियों को भड़का रही है और गुजरात के व्यापारियों से वो मिली और उन्होंने कहा कि वो जीएसटी से बेहद खुश है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है यहां गुवाहाटी में, वहां से जुड़ा हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे लगातार। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अब 18% की कैटेगरी में आएंगे, आपकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनसे जुड़ा भी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।